भागलपुर के पर्वती काली मंदिर पर पथराव करने वाले उपद्रवियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शहर के कचहरी चौक पर आमरण अनशन पर बैठे भाजपा नेता रोहित पांडे को गुरुवार की देर रात पुलिस जबरन उठाकर अपने साथ ले गई। बीती देर रात दंगा नियंत्रण बल के साथ धरना स्थल पर पहुंचे पुलिस इंस्पेक्टर संजय कुमार सुधांशु ने भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रोहित पांडे से मेडिकल जांच के लिए अस्पताल चलने की बात कही, जिस पर अनशन पर बैठे रोहित पांडे ने इंस्पेक्टर से कहा कि उन्हें कहीं नहीं जाना है और फिलहाल उनकी स्थिति बेहतर है। रोहित पांडे ने पुलिस से कहा कि उन्हें कोई शारीरिक कष्ट नहीं है और जब तक पर्वती बुढ़िया काली मंदिर में पथराव के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती वो यहां से नहीं हटेंगे। वहीं इस बात को सुनकर दंगा नियंत्रण बल के जवानों ने भाजपा नेता को जबरन अनशन स्थल से उठाकर पुलिस वैन में डाल दिया और वहां से ले जाने के लिए कुछ जवान भी वैन में बैठ गए। इसी दौरान पुलिस के कार्रवाई का भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, जिस पर जवानों ने कार्यकर्ताओं पर बल प्रयोग करते हुए लाठियां बरसाई। साथ ही न्यूज कवरेज कर रहे कई पत्रकार की भी जवानों ने लाठियों से पिटाई कर दी और दो अन्य लोगों को अपने कब्जे में लेकर वैन में बैठाने का प्रयास किया। हालांकि इस दौरान वहां सादे लिबास में मौजूद इंस्पेक्टर एसके सुधांशु ने बीच बचाव कर उन दोनों युवकों को मुक्त करा लिया। वहीं इसके बाद पुलिस रोहित पांडे और कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोगसर थाने लेकर चली गई। बताया जा रहा है कि पुलिस टीम को इस बात का अंदेशा था कि अनशन स्थल से भाजपा नेता को उठाकर ले जाने के बाद कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया सामने आ सकती थी, जिसको लेकर रोहित पांडे को जवाहरलाल नेहरू अस्पताल ले जाने के बजाय जोगसर थाने ले जाया गया। हालांकि कुछ देर बाद रोहित पांडे को लोकनायक जयप्रकाश सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां काफी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई। वहीं संगठनों से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कहा कि पुलिस अधिकारी और सुरक्षा बलों की मंशा जबरन अनशन समाप्त कराने की थी, जबकि दिन के उजाले में जब प्रशासन यह साहस नहीं जुटा सकी तो रात के अंधेरे में रोहित पांडे को जबरन उठाकर अपने साथ ले गई और विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं के साथ मीडिया कर्मी पर भी लाठियां बरसाई गई। जो तोड़ फोड़ माता की पिंडी पर जो पत्थरबाजी करने का काम किया गया जिन अपराधियों के द्वारा, उनके गिरफ्तारी को लेकर हम लोग उपवास पर 3 दिनों से बैठे हुए थे। इन 3 दिनों में प्रशासन को एक भी दिन यह नहीं सूझा कि हमको चिकित्सकीय जांच की आवश्यकता है। लोग उपवास पर बैठे हुए हैं और कोई लोग चिकित्सकीय जांच के लिए नहीं आए। आज अचानक चिकित्सकीय जांच के लिए इनके लोग आते हैं और रात में ये बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठी डंडे के बल पर, और बताते हैं कि आपको चिकित्सकीय निगरानी में रहने की आवश्यकता है। और एक अपराधी को जिस प्रकार लाया जाता है, एक अपराधी के साथ जिस प्रकार व्यवहार किया जाता है, उस प्रकार लाठी डंडे के बल पर घसीटते हुए ये एम्बुलेंस में डालकर और अस्पताल लाने का काम किए हैं। और अस्पताल में भी लाने के बाद हमारे कार्यकर्ताओं के साथ ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जो काफ़ी असंसदीय और अमर्यादित है। माँ बहन की गाली दी जा रही है हमारे कार्यकर्ताओं को। वरीय पदाधिकारी क्या पहुँचे अभी तक? अभी तक कोई बड़ी पदाधिकारी नहीं पहुँचे हैं। हमारा यहाँ आने के बाद हमारा पूरा जाँच जो रिपोर्ट है वह पूरा नॉर्मल आया है। हम इनसे आग्रह किए कि अगर हमारा जांच रिपोर्ट नॉर्मल है तो फिर हमको जहां से आप लाए हैं उसी अनशन स्थल पर हमको ले चलिए, हम वहीं पर उपवास पर बैठेंगे, नहीं तो फिर हमको गिरफ्तार करके जेल में डालिए या फिर आप उन अपराधियों को गिरफ्तार करिए। लेकिन ये लिपापोती करने में लगे हुए हैं और जहां पर घटना घटी है वहां के लोगों को दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। भागलपुर में मुहर्रम के ताजिया जुलूस के दौरान पर्वती बुढ़िया काली मंदिर में पथराव किए जाने के मामले में पिछले 3 दिनों से बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर आमरण अनशन और प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं के अनशन और प्रदर्शन के दौरान जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा जबरन अनशन खत्म कराने के दौरान लाठी चार्ज किया गया, जिसमें न्यूज कवरेज कर रहे कई मीडिया कर्मी पर भी पुलिस ने लाठियां बरसाई। वहीं मीडिया कर्मियों पर लाठी चार्ज के विरोध में शुक्रवार को जिले के पत्रकार कचहरी चौक पर धरने पर बैठ गए और प्रशासन से दोषी अधिकारियों और पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे।
इधर मीडिया कर्मियों के सड़क पर बैठ जाने की खबर मिलने पर भागलपुर SSP आनंद कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लाठीचार्ज मामले की जांच कराकर दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि धार्मिक स्थल पर पथराव मामले में अब तक कुल 27 लोगों को हिरासत में लिया गया है और CCTV एवं वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही SSP ने कहा कि गुरुवार की देर रात पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज में घायल एक निजी चैनल के पत्रकार विकास कुमार को तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इस मामले की जांच के लिए सिटी SP के नेतृत्व में टीम गठित की गई है, जबकि जांच में दोषी पाए जाने पर पुलिस कर्मियों के विरुद्ध भी विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आई थी और मैं न्यूज कवर कर रहा था, इस दौरान पुलिस जो है मेरे साथ बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया। पुलिस ने मुझे पीटा है, साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत जो है पूरी प्लानिंग के साथ मुझे पीटा गया है और काफ़ी संख्या में पुलिस वालों ने, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान और स्थानीय पुलिस ने मुझे पीटा है। गंभीर चोटें मुझे आई है और मेरी मांग है यहाँ के वरीय पदाधिकारी से कि संजय सुधांशु के आदेश पर पुलिस ने लाठीचार्ज की है, उन्हें जल्द से जल्द निलंबित किया जाए और ये भागलपुर के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ है कि पुलिस के ऊपर जो है पत्रकार के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। ये अमानवीय चेहरा पुलिस का है, इस पर रोक लगनी चाहिए और संजय सुधांशु को जल्द से जल्द निलंबित किया जाए। देखिए, कल मध्यरात्रि में पुलिस के द्वारा एक विधि व्यवस्था संधारण के दौरान एक पत्रकार के साथ बदसलूकी और दुर्व्यवहार करने का मामला संज्ञान में आया है और इसके बैकग्राउंड के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि पिछले 3 दिनों से एक सज्जन हैं, उनके द्वारा एक घटना हुई थी पर्वती में, उसमें FIR भी दर्ज हुई थी, उसमें गिरफ्तारी की मांग को लेकर 3 दिनों से अनशन किया जा रहा था और वो सज्जन एक राजनीतिक दल के पदधारक भी रहे हैं और उनके 10-15 सहयोगियों के द्वारा वहाँ पे बैठ के अनशन किया जा रहा था और कल संध्या को डॉक्टरों की टीम ने उन सज्जन के स्वास्थ्य की जांच की और उसमें उन्होंने पाया कि इनका जो वाइटल्स पैरामीटर्स होते हैं वो थोड़े से गिर रहे हैं और ख़राब दिशा में जा रहे हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को फ्लैग किया और जब ये मामला संज्ञान में आया तो उनको मध्यरात्रि में मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पुलिस की टीम गई और उनको वहाँ से हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाने लगा, जिसका विरोध जो उनके सहयोगी थे कुछ 5-6 वहाँ पर उनके द्वारा किया गया, तो उनको एम्बुलेंस से और उनके सहयोगियों को बलपूर्वक पुलिस की गाड़ी में बैठा कर और उनको थाने भेजा गया और जो सज्जन अनशन कर रहे थे उनको अस्पताल भेजा गया। उसी बैठाने के दौरान लोगों को एक राष्ट्रीय चैनल है, उनके एक पत्रकार हैं, उनके साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है और एक कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं और मैं यह चीज़ भी बताना चाहूँगा कि उसी जगह पर कचहरी चौक पर ही जो हमारा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है उसका CCTV कैमरा भी लगा हुआ है, उसका फुटेज भी हमारे पास संधारित है और इस पूरे मामले की जाँच के लिए CTSP भागलपुर को अधिकृत किया गया है और यह पूरे मामले की वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध है, उसको अवलोकन करके और बाकी जितने साक्ष्य उपलब्ध हैं उसके आधार पर जांच करेंगे और अगले 3-4 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे और इसमें अगर किसी भी पुलिसकर्मी की लापरवाही या जो भी उनका कृत्य है, अगर ये जानबूझ के उन्होंने किसी ने किया है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और अभी तक इस पूरे मामले में कुल 27 लोगों को हिरासत में दिया गया है और उनको विभिन्न थानों में रखा गया है और उनके खिलाफ भी नियमानुकूल विधि सम्मत कार्रवाई भी की जा रही है। भागलपुर व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ताओं ने प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के अमानवीय व्यवहार को लेकर दंडाधिकारी के समक्ष जमकर विरोध जताया। इस दौरान न्यायिक दंडाधिकारी सुचित वाजपेयी के कक्ष के बाहर प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं ने उन्हें अपने कक्ष से बाहर नहीं निकलने दिया। आक्रोशित अधिवक्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी सुचित वाजपेयी जब से भागलपुर में पदस्थापित हुए हैं तभी से उनके कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा हो रहा है और
वे भागलपुर के अधिवक्ताओं के साथ अमानवीय व्यवहार करते आ रहे हैं, जिसकी शिकायत कई बार जिला जज एवं अन्य न्यायिक पदाधिकारियों को लिखित रूप से अधिवक्ता संघ के द्वारा की गई है, लेकिन इसके बावजूद उनकी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं हुआ और प्रतिदिन वे अपने कर्मचारी को भी मानसिक रूप से प्रताड़ित करते रहते हैं। प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं ने कहा कि वे बिना कारण आवेदन पर नुक्स लगाकर उसे रद्द करने और विलम्ब करने की कोशिश करते हैं। देखिए, भागलपुर डीबीए संघ में अधिवक्ताओं लोगों को, जितने भी अधिवक्तागण हैं, उन लोगों को अनपार्लियामेंट्री तरीके से सुजीत वाजपेयी यहाँ का जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसके द्वारा हुड आउट करवाया जाता है और कहा जाता है कि हम तुमको जो बोलते हैं वो करो। ये इस तरह से भागलपुर डीबीए संघ में चलने वाला नहीं है। ना वो तुमताम करने वाला व्यक्ति है और ना ही उसको कोई किसी ने अधिकार दिया है। वो पद, मजिस्ट्रेट पद का वो दुरुपयोग कर रहा है। हम लोग में सहिष्णुता काफ़ी बढ़ी हुई है। हम एक भागलपुर के डीबीए संघ में बहुत दिनों तक उथल पुथल रहा। हम लोग दो तीन पार्टी में खेमा में बटे रहे। इसका नजायज फायदा पीओ लोग उठाना चाहता, कुछ एक लोग, जिसमें से ये आने के बाद इन्होंने देखा कि यहाँ पे लोग अलग अलग हैं, इसलिए ये सबको चैलेंज कर रहा है। हमको बहुत सारे अधिवक्ता ने कहा कि एक रिजोल्यूशन दिया जा रहा है महासचिव के माध्यम से, महासंघ के माध्यम से, भागलपुर के डीबीए के माध्यम से इनके विरुद्ध में एक आवेदन दिया जाएगा। मैंने कहा कि बैठ करके पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद रिजोल्यूशन पास करते हैं। मैं परिचय लेने के लिए इनके पास गया कि आप जो बहुत लोगों के साथ गलत तरीका से कर रहे हैं, इसमें आप ऐसा करिए कि एक गाइडलाइन कर दीजिए कि आपको बेल बॉन्ड में किस तरह का चाहिए, रिलीजिंग में किस तरह का चाहिए, ऐसा कुछ डायरेक्शन ऑर्डर में कर दीजिए। तो लोग उसी हिसाब से पेपर सबमिट करेंगे और तब आप उसके हिसाब से जो करना है, अगर सही है तो सही करिए, गलत है तो रिजेक्ट करिए। यूं ही किसी का रिजेक्ट कर देना ये अच्छी बात है। पहले भी कई अधिवक्ताओं के साथ इनका शिकायत आ चुका है, कई लोगों ने इनका शिकायत, और ये जिला सत्र न्यायाधीश को भी पता है, संघ के जो महासचिव हैं, जो प्रोटोकॉल हैं, उनको भी सूचना है, लेकिन ये अपनी आदतों में सुधार नहीं करता। हम लोग में एक सीआरपीसी में है क्रिमिनल ऑफेंडर का, इनका वही आदत है, ये सभी को तुमताम करता है, चाहे सीनियर हो, जूनियर हो या कोई भी हो, उनको तुमताम करके, रेप करके, बेइज्जत करके भगाते हैं। ये पहली शिकायत नहीं है, ऐसा कई बार शिकायत हो गया, आज तो मामला। भागलपुर शहर में टोटो और ऑटो चालक लगातार गलत दिशा में वाहन चला रहे हैं और क्षमता से अधिक सवारी भी बिठा लेते हैं, जिसको लेकर ट्रैफिक डीएसपी आशीष कुमार सिंह ने नगर निगम चौक के पास दलबल के साथ चेतावनी अभियान चलाया। इस दौरान ट्रैफिक डीएसपी ने क्षमता से अधिक सवारी बैठाने वाले टोटो और ऑटो चालकों के साथ स्कूल वैन चालक को भी रोक कर सख्ती के साथ समझाया और हिदायत देते हुए कहा कि दो दिनों बाद यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई और जुर्माना वसूला जाएगा। ट्रैफिक डीएसपी ने बिना हेलमेट के बाइक चलाने वाले को रोक कर समझाया, साथ ही उन्होंने खलीफाबाग चौक के समीप सड़क पर खड़ी एक कैश वैन के चालक को भी जुर्माना लगाने की चेतावनी दी। इसके अलावा ट्रैफिक डीएसपी ने कहा कि अभी चेतावनी देकर छोड़ा जा रहा है, लेकिन दो दिन बाद जुर्माना वसूलने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। अभियान में डीएसपी के अलावा इंस्पेक्टर राजकिशोर सिंह और पुलिस के जवान भी मौजूद थे। ट्रैफिक अधिनियम नया नहीं है, ये 19 का है। अब एक्चुअली स्मार्ट सिटी बनी है, तो यहाँ स्मार्ट सिटी बना है तो यहाँ जो लगा हुआ है सब जगह कैमरा वगैरह, उस पर काम होगा, सॉफ्टवेयर के तरीके से काम होगा। वहाँ सब जगह लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, एक जगह कमांड कंट्रोल रूम है, वहाँ से काम होगा। और उस पर जो वायलेटर होगा जेब्रा क्रॉसिंग का, बिना सीट बेल्ट का, बिना हेलमेट का, उसको सीधे चिन्हित करेगा, गाड़ी पर जिस पर बैठे रहेंगे उसका नंबर को ये कैप्चर करेगा, उससे आधार पर फाइन का। कहां तक ये कारगर देख रहे हैं सर? अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, अभी आपको क्या बताएंगे कारगर तो है तभी, सब जगह से टेस्टेड है, पटना में चल रहा है, भागलपुर में होना बाकी है, पटना में तो स्टार्ट है, बहुत दिनों से बहुत बढ़िया काम हो रहा है। भागलपुर के सनहला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के समीप चल रहे रिमझिम क्लिनिक एवं वर्षा बेबी केयर में अचानक पदाधिकारियों ने छापेमारी अभियान चलाया, जिसमें वहां हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि लाभुकों की शिकायत पर गुरुवार को पदाधिकारी की टीम अचानक रिमझिम क्लिनिक एवं बेबी केयर सेंटर में छापेमारी के लिए पहुंची। इस दौरान छापेमारी में शामिल सनहला सीओ कृष्ण मोहन कुमार, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार दास और पुलिस बल ने छापेमारी शुरू कर दी। इधर टीम के क्लिनिक पहुंचते ही अस्पताल के सभी डॉक्टर वहां से फरार हो गए, जबकि छापेमारी के दौरान टीम ने अस्पताल में बिना सर्जन और सुविधा के अभाव में एक दर्जन से अधिक महिला रोगी को सर्जरी किया हुआ पाया।
वहीं अस्पताल में मौजूद अप्रशिक्षित नर्स एवं कर्मी द्वारा रोगियों का इलाज किए जाने की जानकारी पदाधिकारियों को जांच के दौरान मिली, जबकि इसके अलावा रोगियों से पूछताछ में भी कई तरह की अनियमितता की जानकारी मिली है। इधर बंद कमरे में करीब 2 घंटे तक चली जाँच के दौरान क्लिनिक और अस्पताल के कागजातों की जाँच टीम के पदाधिकारियों ने की। हालांकि इस दौरान दबी जुबान से कई लोगों ने बंद कमरे में मामला सेटलमेंट होने की भी आशंका जताई है। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार दास ने बताया कि जांच के दौरान सिविल सर्जन भागलपुर द्वारा रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस निर्गत किया हुआ कागजात भी पाया गया है, जबकि सरकारी अस्पताल के पास निजी क्लिनिक एवं अस्पताल चलाने की बात पर स्वास्थ्य प्रभारी कुछ भी साफ कहने से बचते दिखे। अब देखना यह है कि इस मामले में सिविल सर्जन और वरीय पदाधिकारियों की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है। छापेमारी के दौरान सनहौला सीओ कृष्ण मोहन कुमार के अलावा डॉक्टर मोहन कुमार, अस्पताल बीएमएस आनंद कुमार, राजस्व कर्मचारी संदीप कुमार और अनुपम आलोक समेत पुलिस अधिकारी एवं पुलिस के जवान मौजूद थे। मुझे जो कंप्लेंट मिला था, यहाँ पर किसी पेशेंट का ऑपरेशन कर दिया गया और जिनके पास लाइसेंस नहीं है। मैंने जाँच किया, मैं था, डॉक्टर मोहन मेरे टीम में थे, डीसीएम साहब थे, सीओ साहब थे और थाना प्रभारी था। हम लोगों ने जाँच किया, पेशेंट से ही बात किया। पेशेंट का कहना हुआ उनको कोई तरह का दिक्कत नहीं है, अपेंडिसाइटिस का पेन था, जी 6 महीने से परेशान थी, उसी का सर्जरी किया गया था और वो सर्जन जिन्होंने सर्जरी किया वो सर्जन और उनका डिग्री का भी डिमांड किया गया है। उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर तब दिखाया, क्लिनिक का लाइसेंस भी इनका दिखाया। क्लिनिक का लाइसेंस मैंने सिविल सर्जन कार्यालय में भेज करके संतुष्टि भी लिया, उसका लाइसेंस इनका सही पाया। इसके बारे में तो अभी जो मेरी बात हुई, इन्होंने बोला ऑपरेशन करके कुछ उनको अर्जेंट काम था जो भागलपुर निकले, तो यहाँ पर एक बीएमएस डॉक्टर मौजूद थे, उन्होंने बोला कि मुझे उनके द्वारा बात किया गया, ये इंजेक्शन चलाना है और उस डॉक्टर से भी मेरी फ़ोन पे बात हुई। उनका कहना है कि ऑपरेशन सर मैंने ही किया है और मैं अपना सारा सर्टिफिकेट आपको दे रहा हूँ। सर दूसरा बात, जो डॉक्टर ऑपरेशन किया है वो धुरैया में पोस्टेड है, गवर्नमेंट डॉक्टर।